बच्चों, आज हम देखभाल पाठ की कार्य पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पढ़ें, आप मेरे साथ पढ़िए। छूना, घंटी, चखना, सूंघना, कूदना, नाचना, पकड़, खटाई, मिठास, सुगंध। दिए गए काम शरीर के किस अंग से करते हैं? जैसे चलने का काम हम किससे करते हैं? अपने पैरों से, तो यहाँ लिखेंगे पैर। सामान उठाना, ये काम किससे करते हैं? कंधों से, तो यहाँ लिखेंगे कंधे। किताब पढ़ना आँखों से करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आँख। पत्र लिखना हाथ। पानी पीना मुँह। फूल सूंघना, ये काम हम नाक से करते हैं। खाना चबाना दांत। मिठाई उठाना उंगली। अपने शरीर के अंग का नाम लिखकर उसके बारे में एक वाक्य लिखें। जैसे आँख, तो मेरी आँख भूरी है। अगर आपकी आँख काली है तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, मेरी आँख काली है। दांत, मेरे दांत सफ़ेद हैं। चित्रों को पहचाने और उनके नाम लिखकर वाक्य पूरे करें। जैसे ये चित्र किसका है? ये चित्र है करेला, तो करेला कड़वा होता है। मीठी होती है, तो ये क्या है? जलेबी। जलेबी मीठी होती है। काला होता है, तो यहाँ क्या आएगा? बादल काला होता है। और इमली खट्टी होती है। शब्द के अंतिम वर्ण अक्षर से नया शब्द बनाकर लिखें। जैसे सबसे पहले गरम, तो अंत में क्या है? मै वर्ण, इससे बनेगा महल। तो अगला शब्द किससे बनेगा? ले से लगन, न से नमक। अब किससे बनेगा? कैसे कार, रे से रात। तुकांत शब्द लिखें, यानी जिसका अंत में सेम हो। हार भार, रोटी मोटी, रंग भंग, खटाई चटाई, मोर चोर, होज मोज, हंसना कसना, सुनना गिनना। शरीर के अंगों को खोजकर गोला लगाएं और पढ़ें। यहाँ पर अपने शरीर के अंगों को खोजना है। जैसे नाक, ओठ, सिर, पैर, आँख, कान, पीठ, कमर आदि। इसे भी पढ़ें। सोफिया सब्जी लेने बाजार गई। उसने घर लौटकर पहले हाथ धोए। भाई ने सब्जी को धोया, तब टोकरी में रखा। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। अब हमें यहाँ से ये वाक्य पूरे करने हैं। जैसे सोफिया लेने बाजार गई, तो सोफिया क्या लाने गई? सब्जी लेने गई थी, तो सोफिया सब्जी लेने बाजार गई। सब्जी को धोया, फिर सब्जी को धोया, तब में रखा, यहाँ क्या आएगा? तब टोकरी में रखा। ऐसे ही बच्चों, एक वाक्य मैं बोल रही हूँ तो आप लिखिए। हमें सब्जी धोकर पकानी चाहिए। पढ़ें, चलिए बच्चों मेरे साथ पढ़िए। धोया सब्जी, कटोरी, चोर,
चुकी, सूची, शरीफा, रसोई, खट्टा, चटपटा, नमकीन। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। सोच के बाद किससे हाथ धोना चाहिए? साबुन से। तो यहाँ आएगा साबुन। सुबह उठना चाहिए, देर या जल्दी? जल्दी। गन्ने का रस तीखा होता है या मीठा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? मीठा होता है। मिलान करें, जैसे नमकीन कौन? समोसा। कड़वा, कड़वा कौन है? नीम। मीठा, शरबत। खट्टा, नींबू। मीठी चीज़ें खोजकर गोला लगाएं और पढ़ें, जैसे केला, हलवा, ईख, बेर, सेब, अनार, बेल और एक ये पेठा। समझ कर लिखें। हाथ, जैसे हम हाथों की देखभाल कैसे करते हैं? उनको अच्छी तरह साबुन से धोकर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? धोकर। बाल, बालों की देखभाल कैसे की जाती है? उनको अच्छी तरह साफ करके और उनकी चोटी बनाकर। नाखून, नाखूनों की देखभाल, उनको साफ रखकर और उनको समय पर काटकर। दांत, इनकी सफाई, साफ रखकर या इनको ब्रश कर। सोच कर लिखें कि अगर नाखून न काटें तो क्या होगा? तो नाखून न काटेंगे तो क्या होगा? हमारे नाखूनों में गंदगी फंस जाएगी। यही गंदगी खाना खाते समय हमारे पेट में जाकर हमें बीमार कर सकती है। पढ़ें, चलिए बच्चों मेरे साथ पढ़िए। जांच, मुँह, मूछ, सोना, नाखून, पोंछना, शिक्षक, तरीका, नहाना, लिखना। इसे भी पढ़ें। विनीत आज विद्यालय देर से पहुंचा। विद्यालय में प्रार्थना हो चुकी थी। शिक्षक बच्चों के नाखून की जांच कर रहे थे। अब हमें सही शब्द चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। क्या आएगा? विद्यालय में प्रार्थना या पढ़ाई हो चुकी थी। तो यहाँ क्या आएगा? विद्यालय में प्रार्थना हो चुकी थी। शिक्षक नाखून की जांच कर रहे थे। विनीत आज देर से पहुंचा। तो ये देखो, विनीत आज विद्यालय देर से पहुंचा। तो सही उत्तर क्या होगा? विनीत आज, ये लिखो, विद्यालय देर से पहुंचा। पढ़ें, चलिए बच्चों अब साथ में मिलकर पढ़ते हैं। छूना, पैर, जीभ, चखना, टोकरी, नहाना, नाखून, मिठाई, तरीका, सुगंध। पढ़ें, कोमल ने साबुन से हाथ धोए, फिर खाना खाने लगी। अब बच्चों एक वाक्य मैं बोलूँगी और आप लिखिए, जैसे हमें साबुन लगाकर नहाना चाहिए। शाबाश बच्चों, आज हमने ये सीख लिया। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।